जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो हमारे पूर्वजों से संबंधित है। देखिए, पूर्वजों से संबंधित जो विषय है आज का, वो है त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि। हम सभी किसी से पूछकर या हमारी श्रद्धा से नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करवाते हैं। देखिए, करवाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये दोनों में अंतर क्या है, कब करवाना चाहिए। नारायण बलि के बारे में मैंने काफी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध आप जब आपकी श्रद्धा हो, हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि श्राद्ध के दिनों में या कोई विशेष अवसर जैसे अक्षय तृतीया है, जैसे अमावस्या पूर्णिमा है, किसी भी महीने की, आपके पास में धन हो, आपके पास में समय हो और आपकी श्रद्धा हो, तो किसी भी पवित्र तीर्थ स्थानों पर, गया आदि तीर्थों पर आप जाएं और वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध करें, जिसके अंदर आप आपके पिताजी माताजी, आपके दादाजी दादी जी, आपके परदादा परदादी को भोजन करवाएं। इनमें जो शांत हो गया हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसका भोजन उसी तरीके से पत्तल के अंदर रखें। पत्तल का पत्तल बोले तो पत्ते की बनी हुई होनी चाहिए, तो वो ही भोजन वहां रखें और उस भोजन को आप गायों को, कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को और सम्मुख जब आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो माता पिता हैं, इनको जोड़े से बैठाएं और इनके सम्मुख तीन जोड़े ब्राह्मणों के बैठाएं जो कि पूजा पाठ करने वाले हों। इसको बोलते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध। आपके पिताजी माताजी, आपके दादा दादी, परदादा परदादी, यदि आप इस तरीके से इनको जमाते हैं, भोजन करवाते हैं, तो आपकी जो सात पीढ़ियों के पूर्वज होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं, बहुत कुछ आपको देखे जाते हैं। ये तो होता है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध के अंदर विशेष सामग्री आपको जो यूज करनी चाहिए वो है सफेद तिल, काले तिल, जौ, गुड़, शहद, चावल, उबले हुए चावल, पके हुए चावल, इनको यूज कीजिएगा। अद्भुत फल की प्राप्ति होगी और आपका जो भोग आपने जो खिलाया है, आपके जो पितर हैं, उनको अक्षय फल की प्राप्ति होगी, यानी कि उनको बार बार भूखा रहना नहीं पड़ेगा। इसके बाद में क्या है, नारायण बलि। हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध भी करा दे और नारायण बलि। सबसे पहले यदि किसी की घर में अकाल मृत्यु हो गई हो, हमारी सात पीढ़ियों के अंदर, उसकी नारायण बलि जरूर करवाइएगा, फिर उसके बाद में आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवा सकते हैं। क्योंकि नारायण बलि अगर आप नहीं कराएंगे तो आप यकीन मानिएगा कि वो प्रेत योनि में ही रहेगा। नारायण बलि का मतलब होता है उसको प्रेत योनि से हमारे पितर योनि में, हमारे पूर्वजों के अंदर लेके आना। फिर आप उसकी नारायण बलि जब आप करवा देते हैं, फिर आप उसको अगले साल से त्रिपिंडी श्राद्ध करवा सकते हैं। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं नागबलि। नागबलि क्या होती है, देखिए, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो कभी कभी अपने जमीन, मकान, वंश की रक्षा के लिए उसी घर के अंदर या उसी जमीन पर सर्प रूप में रहते हैं। यदि हमारे द्वारा, हमारे वंश के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा किसी नाग की, किसी सांप की अगर हत्या हो गई हो, तो उसकी शांति के लिए नागबलि करवाई जाती है। तो ये तीनों मैंने आपको बताया। नारायण बलि जब अकाल मृत्यु घर में हो जाए तो समझ लो पहले नारायण बलि करवानी है और उसके बाद में त्रिपिंडी श्राद्ध, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। सक्षम है तो करवाइए, किसी पवित्र तीर्थ स्थानों पर करवाएं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद में नागबलि आपको मैंने बताया। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और एक विशेष ध्यान रखिएगा कि हमको इनसे छुटकारा नहीं पाना है, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। विश्वास से, श्रद्धा से उठकर सुबह पहले अपने पूर्वजों को याद जरूर कीजिएगा, दक्षिण दिशा में मुंह रखकर। यदि आप इतना भी करते हैं, उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो भी वो आपको बहुत कुछ दे देते हैं। पितरों को जो प्रसन्न करने का समय है वो सुबह सूर्योदय से पहले पहले का होता है। उस समय यदि आप नहा धोकर अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ मीठा बनाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनके निमित्त पाठ करते हैं, तो अति प्रसन्न होकर वो आपको आपके घर में रहने लगते हैं, आपके घर की, आपके वंश की रक्षा करते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।